एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टो ट्यूटोरियल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस का फेज टू के 3 सितंबर के शिफ्ट 1 के पेपर के बारे में, जो कि आज ही कंडक्ट हुआ है। तो क्रिप्टो ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आया जल्द से जल्द उसको पॉसिबल वीडियो सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है द एटोमिक नंबर ऑफ अननील इनियम। अननील इनियम मतलब क्या हो गया अपने पास? अन मतलब क्या होता है? 1। नील मतलब क्या होता है? 0। ठीक है, इनियम मतलब 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? सी वाला ऑप्शन, अननील इनियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि गैस रिलीज्ड व्हेन गोल्ड एंड प्लेटिनम डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, एक्वा रेजिया से को जब गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करते हैं एक्वा रेजिया में, तो एनो गैस निकलता है और NO2 गैस निकलता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में NO2 दिया हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट हम सीधा सीधा आंसर क्या मारेंगे? NO। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। नाउ अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड हाउ मेनी पी डबल बॉन्ड OH और POP बॉन्ड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? पायरो एसिड क्या होता है? जो एसिड है ना उसको डबल कर दो सीधा सीधा पहले। तो ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसको डबल कर दिया तो अपने पास क्या आ गया? H6P2O8। इसमें से क्या करना है? वाटर माइनस करेंगे ना तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा? H4P2O7। ठीक है, अब H4P2O7 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक तो POP लिंकेज हो गया, ये OH डबल बॉन्ड हो, OH डबल बॉन्ड हो। ठीक है, उसने क्या पूछा है? सबसे पहले नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड हो, कितने पी डबल बॉन्ड हुआ? 2 हैं। 2 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? बी और डी नंबर ऑप्शन। अब इसमें अगला क्या है? OH बॉन्ड कितने हैं? 4। तो अपने पास सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ गया? 2, 4, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लिसरॉल कैन बी प्यूरिफाइड बाय, एनसीईआरटी का पूरा बेस्ट क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल को हम लोग कैसे प्यूरिफाई करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा ग्लिसरॉल को हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के बेसिस पे। एक्चुअली जब ग्लिसरॉल को प्यूरिफाई करते हैं ना, तो प्रेशर रखते हैं लगभग अप्रॉक्स में 12 mmHg और टेम्परेचर जो रखते हैं वो 453 केल्विन के आसपास में रखते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिन्होंने आज पेपर दिए हैं, तो उन्होंने हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजा, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, हो सकता है कि नंबरिंग में, क्वेश्चन नंबर के नंबरिंग में इधर उधर हो सकता है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन उधर 6 नंबर में आया हो या 7 नंबर में आया हो। तो बट हमें आपके पास जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन लाना था, तो इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन नंबर का ध्यान नहीं रखते हुए सीधे सॉल्यूशन को लेकर के हम आपके पास आए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्मल पावर। देखो, सिंपल से पहले आप अगर ध्यान दोगे तो एनसीईआरटी बेस्ड कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। थर्मल पावर प्लांट से क्या क्या बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा निकलता है वो निकलता है CO2 गैस। और CO2 गैस क्या कॉज करता है? एसिड रेन। क्या कॉज करता है? एसिड रेन। ये 3 क्वेश्चन तो शुरू के 5 क्वेश्चन में अपने को एनसीईआरटी पे सीधा का सीधा दिख गए हैं। क्या कॉज करता है ये एसिड रेन? किसके कारण से हुआ? CO2। ये सबसे ज्यादा अमाउंट निकलता है थर्मल पावर प्लांट से, तो CO2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which is not determined by Geldahl method. Geldahl method किसके लिए यूज होता है? पहले तो प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए होता है यूज। ठीक है, एक चीज ये अपने को पता है। दूसरा, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन एस्टिमेशन, क्योंकि प्रोटीन वगैरह जो होता है वो अमीनो एसिड वगैरह से बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं अपन। क्या करते हैं? नाइट्रोजन एस्टिमेशन भी मेरे हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ना वो डिटरमाइंड बाय जेल्डाल मेथड होगा, क्योंकि नॉट डिटरमाइंड जो नाइट्रोजन एस्टिमेशन होता है ना, जो भी अगर कोई कंपाउंड है अगर नाइट्रोजन रिंग के साथ
अगर नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद रिंग तो वो जिंडाल मेथड नहीं देगा, वो जिंडाल मेथड नहीं देगा, वो जिंडाल मेथड नहीं देगा। तो यहां पर देखो, अगर आप नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे ना तो नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से अटैच्ड है, एनिलीन में भी एनएच2 ग्रुप बेंजीन से अटैच है, लेकिन ये वाला जो सेकंड वाला जो है वो क्या है, नाइट्रो बेंजीन से अटैच्ड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो जो एजो ग्रुप होता है या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग जो होता है वो जिंडाल मेथड नहीं देता, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे नॉन डिटरमाइंड की जगह पे मेरे हिसाब से डिटरमाइंड बाय होना चाहिए, तो इसका आंसर फिर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिनिमम बॉन्ड लेंथ आपने क्या फाइंड करना है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ एमओटी का सिंपल बेस्ट क्वेश्चन है। अपने को पता है यहाँ पे एनओ माइनस है, एनओ है और एनओ प्लस है। देखो यहाँ पे कुछ लोग बोले थे कि बॉन्ड ऑर्डर था शायद या बॉन्ड लेंथ था, तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अपना आंसर, मैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के हिसाब से बता रहा हूँ। एनओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 और 6 15 इलेक्ट्रॉन है क्या, और यहाँ पे क्या है एनओ टू माइनस, एनओ टू माइनस। एनओ प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 40। एनओ माइनस में कितने है, 14 इलेक्ट्रॉन वाले का अपने को पता बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, ये बॉन्ड ऑर्डर में लिख रहा हूँ नीचे, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। तो ये एनओ प्लस 15 हो गया, ये कितना हो गया 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, और ये कितना हो गया एनओ माइनस, एनओ माइनस कितना हो गया अपने पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। एनओ प्लस एनओ टू माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रक्चर बनाओ पुट करो। आप यहाँ पे देखो इसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एनओ प्लस, इसका आंसर क्या हो जाएगा एनओ प्लस, ठीक है। तो हमने इसका आंसर क्या कर दिया एनओ प्लस। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एट 8.9 एम मोलैरिटी दिया हुआ है एसटीपी पे, ठीक है। तो अपने को फॉर्मूला पता होता है क्या, कि मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। काफी इजी पेपर है, काफी इजी पेपर है, इससे ज्यादा इजी पेपर नहीं आना चाहिए, हाँ इतना इजी है। आप देखो बस वन लाइन में क्वेश्चन वगैरह है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा 11.2 इंटू मोलैरिटी कितना गिवन है 8.9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.9 से मल्टीप्लाई करके मेरे हिसाब से 99.68 आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ए नंबर इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ऑफ, फिर से एक मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के आ गए। परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू अपने को फाइंड करना है H2O का इन सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन अपने को गिवन है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, हम एज्यूम भी कर लेते हैं, लेट परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ऑफ ग्लूकोज मैं मान के चल रहा हूँ, बाद में 100 से माइनस कर देंगे तो वाटर का जाए, इज एक्स, स्मॉल एक्स ले लिया, ठीक है। तो इसका परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कितना हो गया एक्स है, तो एक्स परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मीन्स क्या होता है, एक्स ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्या, ठीक है। तो ग्लूकोज का अमाउंट कितना है अपने पास एक्स, तो वाटर कितना हो गया, सॉल्यूशन था 100, ग्लूकोज एक्स है, तो वाटर कितना हो गया 100 माइनस एक्स ग्राम, दोनों का वेट अपने को पता है। तो ये काम करते हैं, हम मोल ऑफ ग्लूकोज निकालते हैं, मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा एक्स डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का 180, मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय वाटर का मोल कितना हो गया 80। तो मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन किसका गिवन है अपने को ग्लूकोज का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा उसका मोल एक्स बाय 180 डिवाइड बाय टोटल मोल, एक्स बाय 180 प्लस 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 80, नीचे एलसी इसको इसकी वैल्यू दी है 0.1, ठीक है। एक्स बाय 180 रहने दिया,
नीचे एलसीएम ले लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा 180, एक्स का एक्स लिखाएगा ये 10 टाइम्स में, तो ये 1000 माइनस 10x, ठीक है 180 180 कैंसिल हो गया है। तो अपन इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसको जब अपन इधर लिखते हैं 0.1 तो ये कितना हो जाएगा x बराबर क्या लिखना है अपने को 100 माइनस 0.9x। तो यहां पर देखना 1.9x बराबर कितना हो गया 100, तो x बराबर अपने पास कितना आ गया 52.63। लेकिन उसने पूछा क्या, उसने पूछा वाटर का, तो वाटर कितना हो जाएगा 100 माइनस 52.63, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 47.3 के आसपास, तो इसका 47.3 आंसर आएगा। देखो ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, मतलब इधर उधर होने का मतलब क्या हो सकता है, ए नंबर के ऑप्शन में ये दिया हो, बी नंबर के ऑप्शन में ये दिया हो, मतलब हो सकता है 47.3 ए नंबर पे हो और बी नंबर पे 20% हो। बट इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ पूरा बना करके, ताकि आप करेक्ट आंसर क्या है वो पता कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास दिया हुआ है, अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द एटम, एज लेंथ गिवन है, डेंसिटी गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है। तो एक काम करो ना, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दो, क्या अपने को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू मास डिवाइड बाय एन इंटू वॉल्यूम, क्या क्या गिवन है, अपने को निकालना क्या है, रेडियस ही तो निकालना है, रेडियस यहाँ पे 4/3 πr³ लिख देना है, यहाँ पे डेंसिटी अपने को ये डाटा गिवन है, जेड की वैल्यू 4 है, ठीक है, एम यहाँ पे गिवन है, एन अपने को पता होता है, फॉर्मूला में पुट कर जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो 115.5 हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, CFSC निकालना है, CFSC निकालना है Ti H2O6+, Ti H2O टिटेनियम कितने में है, यहाँ पे टिटेनियम प्लस थी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो CFSC का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को पता होता है क्या कि -0.4 × T2g, ये देखना प्लस थी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब D1 हो गया, क्या D1 हो गया तो माइनस T2g में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन है तो 0.4 × 1 इलेक्ट्रॉन है तो -0.4, यहाँ पे सब में डेल्टा वो लिखा होना चाहिए, ये डेल्टा वो सब में होना चाहिए क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डेल्टा वो प्रिंटिंग एरर हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या हो गया -0.4 ΔO, सो करेक्ट आंसर विल बी -0.4 ΔO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, अपने को ऑप्टिकल एक्टिविटी बताना है। एक काम करो ना, देखो पहला वाला केस कौन सा है, Ma4B2, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, ये सिस वाला है, ये शो नहीं करता। अगला वाला कौन सा है, सिंपल क्वेश्चन एकदम ट्रांस, ये तो शो करेगा ही नहीं, ठीक है। शो कौन सा करता है, MaaB2 करता है, ये पक्का, ठीक है, AaB2 करता है, बट इसमें भी उसने दो ऑप्शन देकर के रखे हैं, सिस और ट्रांस दोनों करता है, सिस और ट्रांस दोनों में से कोई एक ही करता है। अगर आपको केसेस याद होंगे तो अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहोगे ना तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें से जो होता है वो सिस वाला करता है और ट्रांस वाला नहीं करता, तो करेक्ट आंसर आप तुरंत के तुरंत कह नहीं सकते हो, डी नंबर ऑप्शन। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जानने हैं कि कितने होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, MaA2B2 के टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं कितने, MaA2B2 के टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें एक सिस होता है और एक क्या, ये सिस वाला है और ये मैंने क्या लिया है ट्रांस वाला। ये सिस वाला जो होता है ना ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव में मैं बोल रहा हूँ बस। तो ये सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्टिकली, ये ऑप्टिकल एक्टिव में भी, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला कौन कितना होगा, 2+1, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ट्रांस वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, सिस वाला, Ma2B2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मिक्सर कैन फॉर्म एसिडिक बफर? एसिडिक बफर किससे फॉर्म होता है? अगर आपको याद हो तो एसिडिक बफर में सिंपल सा होता है क्या, कि सॉल्ट ऑफ क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। देखो, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर होता है सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं ना, ये तो ए नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन देखना, सी नंबर ऑप्शन में बोल रहा हूं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, और बेस भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं, बेस भी अपने पास स्ट्रॉन्ग है, तो सी नंबर वाला तो नहीं होगा। ठीक है, ए नंबर वाला देखते हैं क्या है, कि स्ट्रॉन्ग बेस तो है, स्ट्रॉन्ग बेस तो है, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देना क्या, कि एसिड का, ए नंबर वाले ऑप्शन में देखना, एसिड का मोल कितना है, 100 × 0.1 मिली मोल लिख रहा हूं मैं, ये एसिड का है, वीक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है, और सॉल्ट भी क्या बनेगा, CH3COONa बनेगा, और मोल, बेस का मोल कितना है, 200 × 0.1। तो आप देखो, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन को, तो अपने पास सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर से HCl प्लस CH3COONa को जब रिएक्ट कराएंगे ना, तो अपने पास क्या बन जाएगा, CH3COH+NaCl। अब यहां पे देखना, जब रिएक्ट करेंगे तो इसका मोल कुछ ना कुछ बचा हुआ रहेगा, इसका मोल कुछ ना कुछ, ये खत्म हो जाएगा HCl, क्योंकि उसके मोल कितने कम है, और CH3 उसके मोल कितने हैं, 100 × 0.1, तो ये 10 मिली मोल है, और ये कितना है, 20 मिली मोल है। तो यहां पे आप देखना, लिमिटिंग एजेंट के हिसाब से ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और ये भी कितना बन जाएगा, 10। लेकिन अगर ऊपर वाले रिएक्शन में, अगर ए वाले ऑप्शन में कराते ना रिएक्शन, तो ऐसा नहीं होता। तो अब देखो, यहाँ पे वीक एसिड आया और ये बेस आया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, अपन ने लिख दिया। बहुत अच्छे सोचेंगे सर ऐसा क्यों कर दिया, देखो ना, मैं एक बार आपके सामने ए नंबर वाला ऑप्शन बना देता हूँ, क्या CH3COOH है प्लस NaOH, ये क्या बनाएगा, CH3CONa बना देगा क्या, वाटर को हटाओ जो भी है, ठीक है, CH3CONa तो बन गया, इसका कितना मोल था, 10 मिली मोल, इसका कितना था, 20, ये लिमिटिंग एजेंट है, तो क्या ये 10 बचेगा क्या, अब जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो ये कितना बनेगा, 20 − 10, तो क्या, अब देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो नहीं ना होगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसलिए इसका आंसर क्या लिखा हमने, सी वाला ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी बी वाला ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर बी, ए भी गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है क्या, कि अ बलून कंटेन्स हीलियम गैस एट टी गेट बर्स्ट देन इट इज अ, ये सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देते हैं क्या, इथाइनाइल लेस ट्राइडायोल, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, नॉन वेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसने बोला है क्या, कि किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर से, क्योंकि जब आप देखोगे ना, तो दो OH यहाँ पे क्या है, ग्रुप प्रेजेंट हो गया इसके स्ट्रक्चर में, इसलिए इसका नाम एक ये भी है, नॉन वेस्ट्रॉल। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है इसका, तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर, शायद इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में दिया हुआ था, मेरे को जान पहले
पता नहीं चला है इसका स्ट्रक्चर, तो वो क्या OH ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण से क्या हो जाएगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने के लिए अपने को पता है दो फैक्टर हम लोग देखते हैं, एक तो क्या देखते हैं डेल्टा पॉजिटिव एंड स्टेरिक फैक्टर। तो एक काम करो CH3CHO बनाओ, सिंपल सा है स्ट्रक्चर, ये CH3CHO है, CH3 डबल बॉन्ड CH3 है, PHC डबल बॉन्ड OH है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, PHC डबल बॉन्ड CH3 है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो डेल्टा पॉजिटिव इन ये बी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव इसमें क्या है, डेल्टा पॉजिटिव कम है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब ए और बी में हम क्या देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, CH3 का साइज क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ऑब्वियसली बात ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो यहां पर से क्या हो जाएगा अपने पास CH3CHO, करेक्ट आंसर CH3CHO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेनरी कॉन्स्टेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा, इसका ऑप्शन मैं लिखना भूल गया हूं, तो हेनरी कॉन्स्टेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा वाज 500 × 10^5 90। तो इसका कंसेप्ट बस मैं आपको बता दे रहा हूं क्या, कि हेनरी कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो जो जैसा आपको ऑप्शन दिखेगा जिसका हेनरी कॉन्स्टेंट ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी कम, तो हाईएस्ट सॉलिबिलिटी पूछ रहा है वो, हाईएस्ट सॉलिबिलिटी का हेनरी कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो जिसका कम होगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, किसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जिसमें ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस हो रहा होगा उसमें सबसे ज्यादा, या फिर जिसका कॉन्जुगेट H+ निकालने के बाद जिसका कॉन्जुगेट ज्यादा अच्छा स्टेबल हो रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस वाले में स्ट्रक्चर में ये ज्यादा एसिडिक एस्टर है, लेकिन क्या होगा कि इसका रेजोनेंस मोस्ट रेजोनेंस मोस्ट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा क्या, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट स्टेबिलिटी H+ निकालने के बाद, हाँ जो कॉन्जुगेट आएगा, तो एक काम करो H+ निकालो और उसके बाद फिर देखो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पे 3 ईस्टर प्रेजेंट है, तो इस कारण से इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है, 373। तो वाट मस्ट बी बॉइलिंग पॉइंट H2S। देखो वाटर में क्या होता है H बॉन्डिंग होता है, वाटर में H बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो H2S का क्या होगा, उससे लेस देन H2O होता है, तो 373 से तो कम होना चाहिए, 373 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अपने पास A और C ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, A और C ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना क्या, कि ये जो वाटर इसका बॉइलिंग ऑक्साइड हाइड्राइड्स ऑफ, अगर आप इसमें जाओगे ऑक्सीजन फैमिली में, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, H2O का होगा, फिर टेल्यूरियम का होगा, ऐसे करके अपन वापस लेके आते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है लेस देन 373 होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 373। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आए हैं ना हमारे चैनल पे, हम उसका जल्दी से जल्दी क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने सॉल्यूशन लाया भी है। आज 3 सितंबर को शिफ्ट 1 का पेपर खत्म हुआ, हमने सॉल्यूशन उसका 2-3 घंटे के अंदर दे दिया। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, हमारे चैनल पे एक वीडियो हमने ऐसा भी डाला है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर JEE मेंस है, और वो सारे IIT के एलुमनाई द्वारा बनाया गया, लगभग उसमें 15-16 साल के एक्सपीरियंस टीचर लोगों का एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। तो आप उस वीडियो को जाकर के देखना, इसमें भी मैं देख रहा हूँ और मैंने ऑब्जर्व किया था कल के पेपर में भी, कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए थे ना उनमें से एक टच तो हो रहे हैं सब लगभग। तो मैं उसका लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी सारे सॉल्यूशन भी अगर आपने हमारे चैनल का नहीं देखा है तो आप जाकर के देखो, और कुछ अच्छे क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियो JEE और NEET के लिए KVPY के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।